उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है, उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है, राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे, राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो नहीं होने दूंगा। आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, दम है तो यहाँ के उद्योग को बाहर लेकर जाए। आइए अब बताते हैं संजय राउत ने इस पर क्या कहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मैंने देखा कि योगी जी मुंबई में किसी 5-स्टार होटल में अक्षय कुमार के साथ बैठे हैं। शायद अक्षय जी आम की टोकरी लेकर गए होंगे। मुंबई की फिल्म सिटी को कोई यहां से ले जाने की बात अगर करता है तो पहले योगी जी ये बताएं कि नोएडा में फिल्म सिटी की अभी क्या हालत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होगा। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? मनसे ने किया सीएम योगी का विरोध। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में जिस 5-सितारा होटल में है उसके बाहर मनसे ने मराठी में पोस्टर लगाए। इस पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर निशाना साधा गया। मनसे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ठग कहा। मनसे ने अपने पोस्टर में लिखा है, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाए गए फिल्म सिटी को यूपी ले जाना मुंगेरी लाल का एक सपना है। पोस्टर में यह भी लिखा है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ महाराष्ट्र का वैभव और कहाँ यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने आया है ठग। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण के लिए जगह भी आवंटित कर चुके हैं। अब फिल्म सिटी निर्माण की बारीकियों को जानने के लिए वह मुंबई पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योगी फिल्मी हस्तियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म सिटी बनाने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।